इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 36 लीटर। जी हाँ, 10 लीटर फालतू है। करण मोटोमार्ट जयपुर पर चीज़ मुझे यहाँ दिखी है जो शायद अपन भविष्य में उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखना गौर से। एक तो मेरे सामने एक रॉयल इनफील्ड के जो पेनियर आते हैं, सिर्फ यही पेनियर आता है, ये रखे हुए हैं, और एक सिग्निंग कंपनी का करण मोटोमार्ट पर एक पेनियर और है, ये वाला देख सकते हो आप। तो इन दोनों का एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि इनमें क्या बेसिकली अंतर है और क्वालिटी वाइज कौन सा ठीक है, कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रॉयल इनफील्ड का पेनियर है और ये 26 लीटर का आता है, और अंदर देख सकते हो ये वाटर प्रूफ है और अच्छा है अपनी कैटेगरी में। पीछे इसकी जो माउंटिंग है वो इस तरीके की है, अंदर से आप इसको खोलोगे तो इस तरीके से नट वगैरह से ये खोलता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या साहिल का है और अभी मैंने इसको कंपेरिजन के लिए बाइक से खुलवा लिया था। अब दूसरा जो पेनियर है सिंगलिंग कंपनी का, ये वाला क्वालिटी वाइज देखें 19 नहीं है, 21 ही मिलेगा। इसका मैं टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं आप मेरे वीडियोज़ वगैरह में भी, उसका भी एक दिन रिव्यू किया था मैंने, यस किया है। अब वो आप आई बटन में, डिस्क्रिप्शन लिंक में और आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना वीडियो को, उसमें टॉप बॉक्स है, उसी कंपनी का है ये पेनियर। इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 36 लीटर। जी हाँ, 10 लीटर फालतू है इसमें। और इसका जो वॉल्यूम है 36 लीटर है और लॉक वगैरह बहुत शानदार है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात मैं आपको फिर बताता हूँ, एक चीज़ देखिए आप, ये जो पेनियर है बिल्कुल अंदर से कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कोई कवर ववर या रैगजीन कुछ नहीं लगा हुआ है। ये जो पेनियर है सिंगलिंग कंपनी का, अंदर से इसमें रैगजीन टाइप का एक फॉर्म लगा हुआ है जो मेरे टॉप बॉक्स में भी लगा हुआ है। प्लस इसके अलावा इसमें 36 लीटर का है स्पेस, तो 10 लीटर फालतू हो गया। लॉक शानदार है, लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉक सेम है, लॉक में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी माउंटिंग भी रॉयल इनफील्ड की माउंटिंग से अलग है। इसको लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से घुमा के देखो, इस तरीके से घुमा के देखोगे आप, इसको लगाने के बाद इसको अंदर से कसना पड़ता है। ये डायरेक्ट फिट होता है, डायरेक्ट फिट मतलब इसको आप लगाइए और इस तरीके से ये खुलना है, इस तरीके से खुलना, इसको लगा के लॉक को पीछे कर दीजिए मेरे टॉप बॉक्स की तरफ और फिट। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं दोनों पेनियरों में बेसिकली अंतर क्या होगा। अगर आप दो पेनियर लगाते तो 20 लीटर आपको वॉल्यूम फालतू मिलेगा और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कंपनी ने, सिग्निंग कंपनी ने। और ये वाटरप्रूफ भी है, ये भी वाटरप्रूफ है, ये भी वाटरप्रूफ है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें जो है कि आपको 10 लीटर फालतू मिल रहा है, दोनों साइड लगाओगे तो 20 लीटर फालतू हो गया। एक चीज़ और है इस टॉप बॉक्स में, अगर आप इस टॉप बॉक्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉकेट भी दी है, आप इसमें कुछ भी कागज़ हुआ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या पर्स हुआ जो भी रख सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सारी अंदर से ये चिप से चिपकी हुई है। और क्वालिटी अगर मैं आपको बता दूँ, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छे शानदार प्रोडक्ट है और मैं आगे चलकर इसको यूज़ करने वाला हूँ, 100% इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आपको सामान रखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो अभी करेंगे, इस पर विचार कर रहे हैं अपन, अब इसको लगाएंगे अपनी लाड़ों पर। और शानदार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके लिए करण मोटोमार्ट को थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू कि उन्होंने इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में दिखा रखे हैं। अब आपको मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ इस पेनियर के, तो आपको पसंद आएंगे, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके, जितने भी बाइकर्स हैं उनको ये कैसा लगा।